हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर राज सिंह ने बताया कि आने वाले दिनों में हरियाणा में मौसम में परिवर्तनशील रहने की संभावना है। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में 28 अप्रैल को तेज धूल भरी आंधी चल सकती है, इससे बूंदाबांदी भी हो सकती है। आने वाले दिनों में तापमान 45 से 46 डिग्री भी हो सकता है और तेज गर्मी पड़ सकती है। अत्यधिक तापमान पड़ने से लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। इस दौरान तापमान में उतार चढ़ाव भी आता है। मौसम विभाग के अनुसार 2 और 3 मई को हरियाणा प्रदेश में तेज आंधी आ सकती है, हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह देते कहा कि यह मौसम कपास की बिजाई के लिए अच्छा है, इसमें बिजाई जरूर कर लें। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने गेहूं की फसल की कटाई नहीं की तो उसे जल्द काट लें, अन्यथा कुछ बूंदाबांदी से फसल भीग सकती है। उन्होंने किसानों को पशुओं के बारे में सलाह देते कहा कि गर्मी के दिनों में पशुओं को छाया में ही बांधने। आने वाले दिनों में जो मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने की संभावना है, क्योंकि कल 27-28 तारीख को जो है एक बार और दोबारा आंधी और उसके साथ बूंदाबांदी आने की संभावना है, और लेकिन उसके बाद 1-2 तारीख को फिर एक बार थोड़ा सा हल्के जो बादल और आंधी के साथ बूंदाबांदी इस एरिए में आने की पूरी संभावना है। जहाँ तक अगर तापमान की बात करें तो पिछले अगर पूरे अप्रैल की बात करूँ तो तापमान अपने औसतन के आसपास रहा, लेकिन कल जरूर है तो तापमान अपने अधिकतम और न्यूनतम 2 से 2.5 डिग्री जो है अपने औसतन से ज़्यादा था, लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो कोई ऐसी बात नहीं है। अप्रैल के महीने में और तापमान जो है अपने औसतन के आसपास ही रहा है। जहाँ तक बढ़ने की बात है, मैं अभी कह रहा था कि 27-28 को कल फिर एक बार थोड़ा सा आंधी और थोड़ी सी बूंदाबांदी होने की संभावना है, तो उससे एक बार फिर टेम्परेचर डाउन जाएगा और उसके बाद 2-3 तारीख को फिर मई में जो है तो बूंदाबांदी या आंधी आने की संभावना है। आज न्यूज के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।